गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं है क्योंकि अभी रात का 3 बजा है और आप मेरे खिड़की में ये देख सकते हैं चंदा मामा, क्योंकि मुझे कुछ पढ़ना था, यानी कि मुझे कुछ प्रिपरेशन करना था, इसीलिए मैं थोड़ा अर्ली मॉर्निंग को उठाया हूँ। तो अभी लाइट दे के थोड़ा बहुत फ्रेशन अप होने के लिए रूम से बाहर निकलूँगा और आप देख सकते हैं पूरा चारों तरफ अंधेरा, सब सोए हुए हैं। तो अभी लाइट ऑन किया हॉल का और ये देखिए मेरा घर का नज़ारा है, यानी कि मैं अपने घर को काफ़ी साफ सुथरा रखता हूँ। और मैं थोड़ा कोजी सा सोफा था तो मैं यहाँ पे पिलो डाल के काफ़ी रात तक भी यहाँ पे ही चील करता हूँ। तो अभी मैं वापस आ चुका हूँ अपने बेडरूम पे और फ़ोन का चार्जर लगभग बहुत ही कम हो चुका था, तो मैंने सोचा कि जब तक मेरा पढ़ाई चल रहा है तो मीनवाइल ये फ़ोन को मैं चार्ज बिठा देता हूँ। तो वही है, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत अपना बेड वगैरह को भी साफ़ किया क्योंकि ये मेरा आदत है पहले से, आपने भी देखा है मेरा घर पे भी मैं उठता हूँ तो तुरंत बेड साफ करता हूँ। ये एक बहुत अच्छा आदत है और सबका एक हैबिट होना भी चाहिए। तो बेड बनाना अभी हो चुका है ख़त्म और अभी मैं चलूँगा, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाऊँगा वॉशरूम पे। और मुझे यहाँ पे अभी ब्रश वगैरह करके मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लूँगा, तो मुझे काफ़ी फ्रेश भी लगेगा पढ़ने के लिए। तो अभी आ चुका हूँ मैं किचन पे और किचन में मेरा आदत है सुबह सुबह थोड़ा सा गर्म पानी पीना या डिटॉक्सिफाइड पानी पीना, लेकिन यहाँ पे वो डिटॉक्सिफाइड वाला पाउडर तो था नहीं, तो मैंने ऐसे नॉर्मल 1 ग्लास गर्म पानी पी लेता हूँ तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी सही रहता है। ये देखिए मेरा गर्म पानी भी अभी हो चुका है। हाय, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। तो आज है मंगलवार, तो जैसे कि देखा मैं करीबन 5:30 के आसपास उठ चुका हूँ। उसके बाद मैंने बस बेड साफ किया क्योंकि झाड़ू पोछा का यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, और मैंने जो भी खाना वगैरह कल बनाया था उसका भी काम कल रात को ही कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पे तो मेरा डिटॉक्सिफाइड ड्रिंक्स नहीं है, फिर भी मैं ये थोड़ा सा गर्म पानी पकड़ के बैठा हूँ, थोड़ा सा अच्छा रहता है गर्म पानी पीना। तो वही है, गर्म पानी पीऊँगा और आज मेरा रिपोर्टिंग आई थिंक 9:30 बजे तक है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा तैयारी करना है। तैयारी क्या, ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि मैं बहुत जल्दी सुबह उठता हूँ, तो मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से रेडी हो जाऊँगा। तो देखता हूँ आज दिन कैसे मेरा कटता है, अगर होगा तो कुछ क्लिप मैं ले पाऊँगा तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊँगा। तो अभी मैं चला बाहर, यहाँ पे कोई डरने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाहर गार्डन है, पूल है और उसके बाद हमारा सिक्योरिटी वगैरह पूरा चारों तरफ है, तो आप रात भर भी यहाँ पे घूम सकते हो, डरने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सुबह सुबह मैं अभी आ चुका हूँ, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक के लिए मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं अंदर ही अंदर ऐसे ही थोड़ा वॉक करूँगा, यानी कि रिसेप्शन तक चलूँगा, उसके बाद होगा तो थोड़ा वापस भी आऊँगा। तो वही है प्लानिंग। तो अभी चलते चलते चल रहा हूँ। अब देखिए चारों तरफ उजाला भी अच्छे से हो चुका है। तो ये है मेरा होटल के बाहर के तरफ, यानी कि सुबह सुबह का मस्त नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आ चुका हूँ और देखिए ये वाटर फाउंटेन, इसको देखने से बहुत सुकून फील होता है और उससे ज़्यादा सुकून फील होता है उसके अंदर वाला मछली को देख के। ये बंद होने के बाद देखिए, ये हमेशा इतना सुकून भरा रहते हैं ना, इनको देख के अपने लाइफ में वैसा ही फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है इनफैक्ट। तो मैं इसके ज़रिए मैं आप सबको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, सुबह आपका कितना हौच-पच हो या आपका पूरा दिन कितना भी बिजी हो, लेकिन थोड़ा सा सुबह अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। थोड़ा सा चारों तरफ का फ्रेश एयर लीजिए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, सो दैट कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और पूरा दिन जितने भी काम होगा काफ़ी प्रोडक्टिव होगा। तो ये था, और बातों बातों में मेरा नहाना भी ख़त्म हो चुका है और अभी मैं बाहर जा रहा हूँ कपड़ा वगैरह सुखाने के लिए।
क्योंकि सबके रूम के सामने यहाँ पे कपड़ा सुखाने के लिए स्टैंड दिया हुआ है, तो वही बात है। तो मैं अभी अपना कपड़ा वगैरह सुखा लूँगा अच्छे से, उसके बाद तैयारी करूँगा ऑफिस के लिए। और अब दिन का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यानी कि भगवान जी का पूजा। तो यहाँ पे मैंने दिया बाती वगैरह यानी कि अगरबत्ती कुछ भी नहीं लाया हूँ, बस थोड़ा बहुत जैसे मैं कर सकता हूँ वैसा ही कर रहा हूँ। लेकिन घर पे जब था मैं बहुत अच्छे से दिया बाती करके पूजा करता था। तो जैसे कि मैं भगवान को हमेशा पूजा करने के पहले नहलाता हूँ, तो थोड़ा सा टिश्यू पेपर में पानी दे के भगवान को नहला दिया। और मेरे के घर के खिड़की के पास बहुत सारे गुड़हल का फूल के पेड़ है, तो उससे थोड़ा बहुत फूल मैंने ऐसे तोड़ के लाया और पानी में इसको अच्छे से ऐसे सजा के रख रहा हूँ, तो पूरा दिन फ्रेश भी रहेगा और एक अच्छा माहौल भी रहता है। तो मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत भगवान जी को अपना पूजा अर्पित किया और उसके बाद तैयारी करूँगा ऑफिस के लिए। तो यहाँ पे नहाने के बाद जो कि मेरा यूजुअल है, अब सबको पता है, बार बार दिखाता हूँ, जैसे कि मैं अपना ग्लिसरीन और गुलाब जल का मिक्सचर जो कि हमेशा अपने फेस पे और बॉडी पे थोड़ा बहुत अप्लाई करता हूँ, जैसे कि स्किन बहुत अच्छा रहता है और हाइड्रेट भी रहता है। क्योंकि पूरा दिन यहाँ पे एयर कंडीशन में बिताएंगे तो स्किन बहुत ड्राई फील होगा, तो इसी वजह से अभी थोड़ा सा ये सब अप्लाई करने के बाद, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि कॉल टाइम हो चुका है और गाड़ी भी आ जाएगा नीचे, तो इसके लिए जल्दी 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 जितना जल्दी हो सके मैं काम ख़त्म कर रहा हूँ। और नाश्ते में कुछ नहीं क्योंकि उधर मेरा बूफे लगा है यानी कि ब्रेकफास्ट वगैरह सब है, बस हमें यहाँ से रेडी होके जाना, वही बहुत जल्दी में रहता हूँ क्योंकि पूरी रात मुझे पढ़ाई भी करना था, तो बस वही बात है। तो मैं ऑफिस के लिए अभी फुल रेडी हो चुका हूँ और थोड़ी टाइम के बाद मेरा गाड़ी आ जाएगी, तो उसके बाद मैं चलूंगा ऑफिस। अगर होगा तो बीच बीच में अगर मैं कुछ भी क्लिप ले सकूँ तो डेफिनेटली मैं लूंगा। तो चलिए मिलता हूँ। तो यहाँ पे अभी हमारा मीटिंग चालू है, तो मीटिंग चालू था बोल सकता हूँ, अभी थोड़ा बहुत ब्रेक हुआ था तो मैंने ऐसे ही कैमरा ऑन करके घुमा दिया थोड़ा बहुत। तो अभी भी मेरा चालू है काम, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, आई थिंक आज ख़त्म होते होते करीबन 7 बज जाएगा, बट ट्रस्ट मी आई एम एंजॉइंग दिस जॉब। तो मैं यहाँ पे बाकी दोस्त को भी देख रहा हूँ, वो कुछ चिट चैट कर रहे हैं पीछे, तो वही है बात। A few moments later. तो करीबन 8 बजे के आसपास मैं आके घर पे पहुंच चुका था, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा नहा लिया, अच्छे से फ्रेशन अप होके खाना पीना खाया, थोड़ा सा टास्क था तो उसको खत्म किया और मैंने वीडियो भी एडिटिंग किया डेली ब्लॉग्स का। तो अभी टाइम लगभग 10 सवा 10 बज चुका है, तो मैं काफ़ी टायर्ड फील कर रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ सोने और मैं बालों पे थोड़ा सा तेल भी अच्छे से चम्पी किया है। तो चलिए आज का ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और मिलता हूँ आप सब से एक न्यू ब्लॉग के साथ। होप यू ऑल एंजॉय योर डे, अंटिल देन बाय बाय।